प्रेजेंटिंग द टाइम मशीन। ये कहानी शुरू होती है सन 1899 से। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर होते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर एलेक्जेंडर, और डॉक्टर एलेक्जेंडर का सब्जेक्ट होता है इन्वेंशन। हालांकि डॉक्टर एलेक्जेंडर के पास करियर के बहुत बेहतरीन ऑप्शंस थे, लेकिन उन्हें रिसर्च से, इन्वेंशन से प्यार होता है और इसीलिए उन्होंने ये प्रोफेशन चुना होता है। डॉक्टर एलेक्जेंडर की एक मंगेतर भी होती है जिसका नाम होता है एमा, और वो एमा से बहुत प्यार करते हैं। एक शाम को जब वो एमा से मिलने जाते हैं तो वहां पे एक चोर आ जाता है और वो एमा को गोली मार देता है, और इस हादसे में एमा की मौत हो जाती है और इससे डॉक्टर एलेक्जेंडर पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो इस सदमे को बर्दाश्त कर ही नहीं पाते, और अब डॉक्टर एलेक्जेंडर ये डिसाइड करते हैं कि वो एक टाइम मशीन बनाएंगे और उस टाइम मशीन से वो भूतकाल में जाकर, पास्ट में जाकर एमा को बचा लेंगे ताकि वो जिंदगी भर उसके साथ रह सके, और इसके लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। अब जिस दौरान वो अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं उसी दौरान उनका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है डेविड। वो बार बार आकर उन्हें समझाता है कि इन सब चीजों से बाहर आओ, एमा मर चुकी है और अब वो वापस कभी नहीं आ सकती। लेकिन डॉक्टर एलेक्जेंडर उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपना पूरा टाइम, पूरा वक्त अपनी रिसर्च को देते हैं, और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो टाइम मशीन बना लेते हैं। और ये सन होता है सन 1903। अब डॉक्टर एलेक्जेंडर उस टाइम मशीन में बैठते हैं और भूतकाल में ट्रैवल करना शुरू करते हैं, और वो उसी वक्त में पहुंच जाते हैं, यानी कि सन 1899 की उसी शाम को, जिस शाम को एमा का मर्डर हुआ था, और वहां पर उन्हें एमा मिलती है। एमा को देखकर वो बहुत खुश होते हैं और वो वहां से कहीं और चले जाते हैं, लेकिन वहां पर भी एमा का एक घोड़ा गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। और डॉक्टर एलेक्जेंडर ये समझ जाते हैं कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर एलेक्जेंडर ये सोचते हैं कि शायद जिन सवालों का जवाब मेरे पास ना हो, हो सकता है कि भविष्य के मानव ने, फ्यूचर के लोगों ने इस पहेली का, इन सवालों का जवाब ढूंढ लिया हो। और अब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूचर में जाएंगे और इस सवाल का जवाब लेकर आएंगे, फिर पास्ट में जाकर एमा को बचा लेंगे, और इसके बाद वो अपनी मशीन में बैठते हैं और फ्यूचर में ट्रैवल करते हैं। और अब डॉक्टर एलेक्जेंडर पहुंच जाते हैं सन 2030 में, और 2030 में पहुंचने के बाद वो न्यूयॉर्क की एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं ताकि वो ये सब पढ़ सके, ये सब जान सके कि साइंस ने कितनी तरक्की की है। अब जब वो लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक कंप्यूटराइज होलोग्राफिक इमेज दिखती है जिसका नाम होता है वॉक्स 114, और वो उससे बात करते हैं, पूछते हैं कि टाइम मशीन के बारे में तुम क्या जानते हो। वॉक्स 114 उन्हें बोलता है कि टाइम ट्रेवल का आविष्कार आज तक इस धरती में हुआ ही नहीं है। और ये सुनने के बाद डॉक्टर एलेक्जेंडर बहुत डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि उन्हें उनका आंसर यहां नहीं मिला होता, और वो तय करते हैं कि मुझे और भी आगे जाना चाहिए। हो सकता है कि भविष्य के मानव ने, जो इनसे भी एडवांस हैं, उन्होंने टाइम ट्रेवल का आविष्कार किया हो और मेरे सवालों का जवाब उनके पास हो। अब वो अपनी मशीन में बैठते हैं और दोबारा वहां से और आगे जाते हैं, और अब डॉक्टर एलेक्जेंडर पहुंच जाते 7 साल आगे, यानी कि सन 2037 में। इस वक्त साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, इंसान चांद पर मानव बस्ती बसाने में कामयाब हो चुका है, लेकिन उन्हीं लोगों की वजह से चांद में अब दरार पड़ चुकी है, चांद टूट रहा है, चांद खराब हो रहा है, और चांद पृथ्वी के बहुत नजदीक आ चुका है, और जिसकी वजह से पृथ्वी पर तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, और अब पृथ्वी रहने लायक नहीं रही। अब डॉक्टर एलेक्जेंडर अपनी मशीन से उतरकर ये सब देख ही रहे होते हैं कि वहां पे 2 सोल्जर आ जाते हैं और वो उन्हें रेस्क्यू करना चाहते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी ये दिखाते हैं कि धरती फटना शुरू हो जाती है। और इसके बाद डॉक्टर एलेक्जेंडर अपनी मशीन की तरफ भागते हैं और अपनी मशीन में बैठ जाते हैं और मशीन को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन धरती फटने की वजह से उनकी मशीन बुरी तरह हिलती है और उनके सिर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अब मशीन चालू हो चुकी है, वो भविष्य में यात्रा कर रहे हैं और वो भविष्य में बहुत आगे निकल जाते हैं, और इसी यात्रा के दौरान उन्हें कुछ पलों के लिए होश आता है और वो अपनी टाइम मशीन को रोक देते हैं और वो पहुंच जाते हैं सन 802701 में, और अब धरती पूरी तरह से बदल चुकी है। जिस तरह से दिखाया गया था कि सन 2037 में चांद के विनाश के कारण धरती पे तूफान आते थे, भूकंप आते थे और धरती पूरी तरह से बंजर हो रही थी, वहीं अब ये दिखाते हैं कि पूरी धरती पे हरियाली हरियाली है, लेकिन इस सदी में टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है, इंसान बहुत कम बचे हैं और वो आदिवासियों की तरह जिंदगी जीते हैं। अब जब डॉक्टर एलेक्जेंडर की टाइम मशीन रुकती है तो वो बेहोशी की हालत में होते हैं, और जब उन्हें होश आता है तो वे घर में होते हैं, लेकिन उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता, उनके सारे कपड़े उनके पास रखे होते हैं, वो अपने कपड़े पहनते हैं, तभी वहां पर एक बच्चा आता है। अब डॉक्टर एलेक्जेंडर उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बाहर निकल जाता है और डॉक्टर एलेक्जेंडर भी उसके पीछे पीछे बाहर जाते हैं, और बाहर जाके वो देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत बस्ती होती है जो पहाड़ की चट्टान पर बहुत ही सेफ तरीके से बनाई होती है। कहने का मतलब
मतलब यह है कि इस सदी में लोग ईंट पत्थर सीमेंट से घर नहीं बनाते बल्कि चट्टान को काटकर उसके अंदर घर बनाते हैं। और यहां पर रहने वाले लोगों को इलॉय कहते हैं। और ये जो जगह है आज से लाखों साल पहले ये न्यूयॉर्क का मैनहैटन शहर था जो आज इस तरह से पूरी तरह परिवर्तित हो गया है। अब जब अलेक्जेंडर बाहर आ जाता है तो उसको देखकर पूरी बस्ती वाले उसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं। लेकिन यहां पर एक और प्रॉब्लम होती कि ये जो बस्ती वाले लोग हैं इनकी अपनी कोई भाषा होती है, ये लोग इंग्लिश नहीं बोलते। और जब वो देखते कि अलेक्जेंडर उनकी भाषा नहीं जानता तो उन्हें ये लगता है कि इस इंसान से हमें खतरा हो सकता है और वो लोग ये डिसाइड करते कि अब हम इसे मार देंगे। लेकिन तभी वहां पर मारा आ जाती है और मारा वही लड़की होती है जो अलेक्जेंडर को बचाकर यहां तक लाई होती है और मारा को इंग्लिश बोलनी भी आती है। दरअसल इस सदी में भी कुछ लोग इंग्लिश बोलना जानते हैं लेकिन उनकी गिनती बहुत कम है। अब मारा अलेक्जेंडर से उसके बारे में पूछती है तो अलेक्जेंडर अपने बारे में उसको सब कुछ सच सच बता देता है। लेकिन मारा ये सारी बातें अपने लोगों को नहीं बताती क्योंकि वो जानती है कि ये लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे और ये उसे मार देंगे, इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए उन्हें उसकी सच्चाई नहीं बताती। इसके बाद अगले सीन में ये दिखाते हैं कि रात हो जाती है और रात को अलेक्जेंडर सो जाता है और नीचे मारा और उसका भाई सो जाते हैं। जिस छोटे लड़के के पीछे अलेक्जेंडर बाहर आया होता है वो मारा का भाई होता है। अब इस रात को एक अजीब सी बात होती है। रात को अलेक्जेंडर को एक सपना आता है कि जंगल में उसे कोई पुकार रहा है और कोई सफेद चेहरे वाला आदमी उसके सामने आता है। उसके बाद वो एक गुफा के सामने जाता है जिसमें बहुत बड़े बड़े दांत टाइप का दरवाजा होता है और वो खुलता है और इसके बाद अलेक्जेंडर डर के उठ जाता है। उसी टाइम ये दिखाते हैं कि मारा का भाई भी नीचे डर के उठ जाता है और इन दोनों ने एक ही सपना देखा है। अब जब वो सब उठ जाते हैं तो वो देखते हैं कि अलेक्जेंडर की घड़ी वहां पर नहीं होती। उसके बाद मारा उसे बताते कि यहां पर जितने भी लोग हैं वो सभी ये सपना देखते हैं। इसके बाद वो सब सो जाते हैं और अगले दिन मारा उसको एक जगह ले जाते हैं जहां पर ये दिखाते हैं कि न्यूयॉर्क शहर की जो आज से लाखों साल पहले बहुत फेमस बिल्डिंग्स थी वो अब जमीन के नीचे बहुत गहरी धस चुकी हैं। इसके बाद मारा अलेक्जेंडर से पूछती है कि तुम इतनी दूर क्यों आए, मतलब तुम भूतकाल से भविष्य में क्यों आए। अलेक्जेंडर इस बात का जवाब नहीं देता और मारा समझ जाती है। मारा बोलती है कि शायद तुमने किसी को खोया है। अलेक्जेंडर बोलता कि हाँ, और इसीलिए मैंने टाइम मशीन बनाई थी ताकि भूतकाल में जाकर सब कुछ ठीक कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और इसीलिए मैं भविष्य में आया हूं ताकि मैं जान सकूं कि मैं भविष्य को कैसे चेंज कर सकता हूं, यानी कि भूतकाल में जाकर आने वाले टाइम को कैसे बदल सकता हूं। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर अलेक्जेंडर की टाइम मशीन होती है। और अब अलेक्जेंडर ये डिसाइड करता है कि वो अपने टाइम में अपने वक्त में वापिस चला जाएगा। और जब वो वापिस जा ही रहा होता है तो मारा उससे बोलती कि प्लीज तुम मेरे छोटे भाई को अपने साथ ले जाओ। अब वहां पर उनकी बातें चल ही रही होती है कि तभी नगाड़े बजना शुरू हो जाते हैं और ये खतरे का संकेत होते हैं। ये नगाड़ों की आवाज सुनते ही मारा अपनी बस्ती की तरफ भागती है और अलेक्जेंडर भी उसके पीछे पीछे भागता है। और जब अलेक्जेंडर बस्ती में पहुंचता है तो वहां वो देखता है कि एक सफेद रंग का अजीब सा प्राणी होता है। इन प्राणियों को मॉरलॉक्स कहा जाता है और ये धरती के नीचे रहते हैं और धरती के नीचे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये इन लोगों की बस्तियों पर हमला करते हैं और यहां से इंसानों को उठाकर धरती के नीचे ले जाते हैं और वहां उन्हें मारकर खा जाते हैं। और मारा यहां पर इसलिए आई होती है क्योंकि उसका भाई यहां होता है। अब इसी भगदड़ में मारा के भाई को बचाते हुए एक मोरोलोक अलेक्जेंडर के पीछे पड़ जाता है। अलेक्जेंडर वहां से भागता है और वो मोरोलोक उसका पीछा करता है। इसके बाद अलेक्जेंडर एक ऊंची जगह पे चढ़ जाता है और वो भी उसके पीछे चढ़ जाता है। लेकिन इसके बाद ये दिखाता है कि वो मोरोलोक नीचे गिर जाता है और अलेक्जेंडर उसके ऊपर गिर जाता है। अब अलेक्जेंडर उसके हाथों में होता है, तभी एक सायरन बजता है और वो मोरोलोक वहां से भाग जाता है। दरअसल ये सायरन उन्हीं के लोगों ने बजाया होता है क्योंकि वो वापस जा रहे होते हैं और सब एक साथ जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे ये दिखाते हैं कि वो लोग मारा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अलेक्जेंडर उन्हें बोलता है कि हमें मारा को बचाना होगा, लेकिन वहां के लोग बोलते हैं कि हम उनसे नहीं लड़ सकते क्योंकि वो हमसे बहुत ताकतवर हैं और अब मारा को बचाना नामुमकिन है। लेकिन अलेक्जेंडर बोलता है कि मैं किसी भी कीमत में मारा को बचाऊंगा। अब वो मारा के भाई से बोलता है कि मुझे बताओ कि ये लोग कौन है और कहां से आते हैं। इसके बाद मारा का भाई उसे एक जगह ले जाता है और ये न्यूयॉर्क की वही लाइब्रेरी होती है जहां पर अलेक्जेंडर टाइम ट्रेवल करके सन 2030 में गया था। अब लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद अलेक्जेंडर को वही होलोग्राफिक कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरियन दिखता है जो उसे आज से 8 लाख साल पहले यानी कि सन 2030 में दिखा था। ये अभी भी अच्छे से फंक्शन कर रहा होता है।
और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि यहाँ का सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम सोलर सिस्टम से कनेक्टेड है, तो इसीलिए चार्ज हो जाता है और आज भी ये सिस्टम काम कर रहा है। अब अलेक्जेंडर उससे पूछता है कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन है जो जमीन के नीचे से आते हैं और लोगों को उठाकर ले जाते हैं। वो बताता है कि जब चांद खत्म हुआ था उसके बाद कुछ लोग जमीन के नीचे चले गए थे और कुछ लोग जमीन के ऊपर ही थे, और जो लोग जमीन के ऊपर रह गए आज उन्हें एलॉय कहा जाता है, और जो लोग जमीन के नीचे चले गए थे वो हजारों साल तक जमीन के नीचे रहे और उसके बाद उस जमीन के ऊपर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो धूप की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और धीरे धीरे वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह बदल गए और आज उन लोगों को मॉरलॉक्स कहा जाता है। दरअसल ये पास्ट के ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो आज मॉरलॉक्स बन चुके हैं, और जमीन के नीचे खाने के लिए कुछ नहीं होता इसीलिए ऊपर मानव की बस्ती में आते हैं, उन्हें उठा के ले जाते हैं और उन्हें खाते हैं। अब ये कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरियन उसे मॉरलॉक्स तक पहुंचने का रास्ता बताता है, और जब वो जंगल के रास्ते वहां तक पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर वही दांतों वाली गुफा होती है जो उसे सपने में आई होती है। अब वो मारा के भाई को बोलता है कि तुम यहां से वापस जाओ और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी बहन को वापस जरूर लेके आऊंगा, और इसके बाद वो उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि वहां पे कई सारे लोगों की हड्डियां कंकाल ये सब पड़ा होता है। यहाँ पर यह भी दिखाते हैं कि जमीन के अंदर बहुत सारी सुरंगें जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स भी चल रही हैं। दरअसल ये एग्जॉस्ट फैन होते हैं जिसके जरिए ये जमीन के नीचे हवा लेकर आते हैं, और एक जगह ये भी दिखाते हैं कि बहुत सारे मॉरलॉक्स काम कर रहे होते हैं। इससे ये पता चलता है कि इनके अंदर अभी भी दिमाग है और ये टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, हालांकि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही बेसिक किस्म की होती है। अब जब अलेक्जेंडर आगे बढ़ रहा होता तो एक जगह गिर जाता है जहां पर पानी होता है, और उसके गिरने से एक मॉरलॉक को पता चल जाता है कि यहां पर कोई है, और जब वो वहां पर आता तो देखता है कि वहां पे अलेक्जेंडर होता है और वो उसे पकड़कर एक जगह ले जाता है जहां पर वो देखता है कि वहां पर मारा भी है, उसको एक पिंजरे में बंद किया हुआ है, और वहीं पर ये दिखाते हैं कि इन सब का जितने भी मॉरलॉक्स होते हैं उन सब का बॉस वहां पर बैठा होता है, और वो लगभग इंसानों की तरह ही दिखता है लेकिन उसका पूरा फेस बिल्कुल व्हाइट होता है। अब यहां पर मारा बिल्कुल शांत होती है, वो एक ही तरफ देख रही होती है, और इसका रीजन ये होता है जो इन मॉरलॉक्स का बॉस होता है इसके अंदर बहुत सारी शक्तियां होती है और इसने मारा को अपने वश में किया होता है, और इसके अंदर दूसरे लोगों के दिमाग को रीड करने की भी पावर होती है, और वो अलेक्जेंडर को ये भी बताता है कि यहां पर जितने भी मॉरलॉक्स हैं उन्हें मैं अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता हूं। इसके बाद वो अलेक्जेंडर को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम टाइम ट्रेवल के थ्रू यहां तक आए हो और तुम अब वापस चले जाओ, और एक बात और याद रखो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम पास्ट में जाकर फ्यूचर को नहीं बदल सकते। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम पास्ट में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लोगे और फ्यूचर में वो तुम्हारे साथ रहेगी तो ऐसा नहीं हो सकता। वो अलेक्जेंडर को बोलता है कि तुमने अपनी टाइम मशीन तभी बनाई जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड मरी, और अगर तुम उसे पास्ट में बचा लेते हो तो तुम अपनी टाइम मशीन बनाओगी नहीं, और जब तुम्हारी टाइम मशीन बनी नहीं तो तुम पास्ट में पहुंचोगे कैसे। वो उसे ये समझाता है कि तुम पास्ट में तो जा सकते हो लेकिन पास्ट में कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे पूरा फ्यूचर चेंज हो जाए। इसे साइंस की दुनिया में विरोधाभास कहते हैं, यानी कि पैराडॉक्स। इसके बाद वो अलेक्जेंडर को बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया, अब तुम अपने वक्त में अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। यहां पर ये दिखाते हैं कि अलेक्जेंडर की टाइम मशीन भी इसी के पास होती है। उसकी टाइम मशीन लिफ्ट से नीचे आती है और वो बोलता है कि अब तुम वापस अपने समय में जा सकते हो। अलेक्जेंडर अपनी मशीन में बैठ जाता है। तभी ये दिखाते हैं कि अलेक्जेंडर की वो घड़ी जो मारा के घर से गायब हो गई थी वो भी इसी आदमी के पास होती है। वो उसकी घड़ी वापस देने के लिए आता है, तब तक वो अपनी टाइम मशीन स्टार्ट कर चुका होता है, और इसके बाद अलेक्जेंडर उसे टाइम मशीन के अंदर खींच लेता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि अलेक्जेंडर उसके सामने टिक नहीं पाता क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है, और वो अपना चाकू निकालता है और अलेक्जेंडर को मारने वाला होता है। तभी अलेक्जेंडर अपने आप को बचाने के लिए वहां पर एक मीटर होता है जिसमें एयर प्रेशर बनता है, वो उसको तोड़ देता है और उसकी पूरी एयर उसके मुंह पर जाकर गिरती है और अलेक्जेंडर उसे धक्का देकर मशीन से बाहर लटका देता है। अब वो अपने दोनों हाथों से अलेक्जेंडर का गला पकड़ लेता है और उसकी पूरी बॉडी मशीन के बाहर होती है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि अलेक्जेंडर बड़ी मुश्किल से टाइम मशीन को फ्यूचर में भेजने के लिए ऑन कर देता है। अब जैसे ही टाइम मशीन फ्यूचर में आगे बढ़ने लगती है तो उसकी बॉडी जो बाहर होती है वो वक्त के साथ बूढ़ी होना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे ये दिखाते हैं कि उसकी बॉडी कंकाल बनकर वहां से गायब हो गई, लेकिन उसके जो हाथ मशीन के अंदर होते हैं वो एज इट इज वैसे होते हैं। अब जब उसकी टाइम मशीन रुकती है तो वो सन 63 करोड़ 54 लाख 27 हजार 810 में पहुंच जाता है, और वहां
देखता है कि धरती पूरी तरह से बंजर हो चुकी है और चारों तरफ उसे मॉरलॉक्स की गुफाएं दिख रही होती है। वो समझ जाता है कि मॉरलॉक्स ने पूरी धरती पे कब्जा कर लिया है और इलॉय सभ्यता का पूरी तरह से विनाश कर दिया है। अब अलेक्जेंडर को यह तो पता चल जाता है कि वो अपनी मंगेतर को पास में जाकर बचा नहीं सकता, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मारा को बचा सकता हूं। इसके बाद वो अपनी टाइम मशीन में बैठता है, उसे स्टार्ट करता है और उसी वक्त में वापस आ जाता है जहां पर मारा को उन लोगों ने बंदी बना रखा है। अब वापस आने के बाद वो सबसे पहले मारा को छुड़ाता है, उसके बाद वो अपनी टाइम मशीन को स्टार्ट करता है और उसे फ्यूचर में जाने के लिए सेट कर देता है, लेकिन साथ ही वो अपनी घड़ी की चेन उसके गियर में फंसा देता है ताकि टाइम मशीन समय में आगे पीछे कहीं भी ना जा सके और उससे जो ब्लास्ट हो उससे सारे के सारे मॉरलॉक्स मर जाएं। अब वो दोनों भागते हैं और उनके पीछे बहुत सारे मॉरलॉक्स होते हैं। तब ये दिखाते हैं कि एक दीवार से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनके पीछे काफी सारे मॉरलॉक्स उसी दीवार पर होते हैं। तभी उसकी टाइम मशीन में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। अब क्योंकि ये सारी सुरंगें सारी गुफाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उस ब्लास्ट से एक लेजर की तरह एक लेयर पैदा होती है और उस लेयर के आगे जितने भी मॉरलॉक्स आते हैं सब के सब मर जाते हैं। और जैसी वो लेजर मारा और अलेक्जेंडर तक पहुंचने वाली होती है कि वो दोनों उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं और अंदर सारे मॉरलॉक्स खत्म हो जाते हैं। अब यहां पर यह दिखाते हैं कि अलेक्जेंडर ने फ्यूचर में जाकर यह देख लिया था कि मॉरलॉक्स ने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया है, इसका मतलब उन्होंने एलॉय लोगों को मार दिया, लेकिन वो यहां पर वापस आकर सारे मॉरलॉक्स को मार देता है और फ्यूचर को चेंज कर देता है। इसके आगे मूवी में ये दिखाते हैं कि अब अलेक्जेंडर की टाइम मशीन नहीं है, हालांकि वो बना भी सकता है, लेकिन वो ये डिसाइड करता है कि अब वो मारा के साथ इसी युग में रहेगा। और जो लाइब्रेरी में वॉक्स 114 नाम का रोबोट होता है, जो रोबोटिक इमेज होती है, वो वहां पर उस युग के बच्चों को पढ़ाने का काम उस रोबोट को देता है, यानी कि वो उस रोबोट को उन बच्चों का टीचर बना देता है। और यहां पर अब अलेक्जेंडर मारा के साथ खुश है और वो इस दुनिया को पूरी तरह से अपना चुका है। और वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि अलेक्जेंडर के वक्त में, यानी कि सन 1903 में, उसकी लैब में उसका दोस्त डेविड आता है। यहां से अलेक्जेंडर को गए हुए, यानी कि गायब हुए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है। डेविड अलेक्जेंडर की मेड से बोलता है कि मैं अलेक्जेंडर के लिए बहुत खुश हूं क्योंकि फाइनली उसे वो जगह मिल गई जहां पर वो खुश रह सकता है। और इसके बाद वो अपनी हैट उतारता है और फेंक देता है, यानी कि वो अलेक्जेंडर को ट्रिब्यूट देता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। हालांकि इस मूवी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टर और राइटर ने क्लियर नहीं किए, जैसे कि जब अलेक्जेंडर वापस इसी वक्त में आता है तो जो मॉरलॉक्स का बॉस होना चाहिए था उसे जिंदा होना चाहिए था क्योंकि वो इसी वक्त का था, और उसकी मौत इसलिए हुई थी क्योंकि वो फ्यूचर में चले जाता है, टाइम में आगे चले जाता है। और जब अलेक्जेंडर वापस इसी टाइम में आया तो उसे जिंदा दिखाना चाहिए था, जो कि नहीं दिखाया गया। दूसरा पॉइंट ये कि अगर अलेक्जेंडर ने उनका फ्यूचर देख लिया था, इसका मतलब ये है कि उनका भी कोई पास्ट होगा और वो वापस आके वो सारा चेंज कर देता और फ्यूचर को बदल देता, यानी कि यहां पर भी उसने टाइमलाइन के साथ छेड़खानी की है और पास्ट में आके चीजों को बदला है। अब इसके पीछे लॉजिक ये हो सकता है कि अलेक्जेंडर अपने फ्यूचर में जाकर किसी के भी पास्ट से छेड़खानी करके उसका फ्यूचर बदल सकता है।